उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी देखिए एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीतापुर पहुंचे हुए हैं और एक बच्ची से सेल्फी करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण जो एक बच्ची से सेल्फी करवा रहे हैं, सामाजिक समरसता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीतापुर पहुंचे हुए थे और एबीपी गंगा से खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपने सामाजिक समरसता का एक सवाल बड़ा उठाया है। भाजपा ने पहले दलित को प्रत्याशी राष्ट्रपति में बनाया चुनाव में, अब आदिवासी महिला को उतारा है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? ये बहुत गौरव का विषय है और जिस आप देख रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे ये सामाजिक समरसता कार्यक्रम हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पे भी सबको साथ लेके चलने का प्रयास हो रहा है, सबको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, सोच भी है और आप ज़मीन पे आज देख रहे हैं वो भी रहा है, तो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है वो हर तरीके से फलीभूत होगा। तो एक सवाल आपने आज मंच से उठाया है कि चार बार प्रदेश की जनता ने मायावती जी को मौका दिया और चार बार समाजवादी पार्टी को मौका दिया, तो ये सामाजिक समरसता नहीं लागू कर पाए क्या? ये सामाजिक परिवर्तन लागू नहीं कर पाए। जो पिछले 30 साल की राजनीति थी वो सामाजिक परिवर्तन के लिए बार बार वोट था, ये मेरा मानना है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन ये दोनों पार्टियां नहीं कर पाई। इनकी सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा केवल इतनी रही, मैं, मेरा परिवार, बहुत से बहुत मेरा कुंबा, ये इस जाति व्यवस्था में, सीढ़ी वाली व्यवस्था में सबसे ऊपर पहुंच जाए तो मेरा काम हो गया। भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत इस सीढ़ी वाली व्यवस्था को समाप्त कर चुकी है। आप पार्टी के संगठन में, सरकार में, हर जगह देखेंगे कि सबको बराबर प्रतिनिधित्व है, काबिलियत को तवज्जो दी जाती है, ध्यान स्थान दिया जाता है और रोटी बेटी का जो रिश्ता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने साहित्य में कहा, रोटी का रिश्ता पूरी तरीके से हम लोग कर चुके हैं, बेटी के रिश्ते पे काम हो रहा है, वो भी पूरा होगा बहुत जल्दी। एक आखिरी सवाल कि आप भी इसी से क्या प्रभावित होकर के पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़कर आपने ज्वाइन की है? निश्चित रूप से, ये हालांकि पुलिस ऐसी संस्था है जहाँ पे तत्काल मदद करने का काम होता है और शायद पुलिस से ज़्यादा तेज़ी से और कोई मदद कर भी नहीं पाता है संस्था के रूप में, लेकिन राजनीति में, लोक सेवा में और सरकार में एक मंत्री के रूप में दीर्घकालिक कार्य है। जैसे मुझे समाज कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है, एक वृद्ध महिला या वृद्ध पति पत्नी की मदद मैं पुलिस कमिश्नर के रूप में तुरंत कर सकता था, लेकिन आज मैं दीर्घकालिक कर सकता हूँ, उनकी रोजी रोटी का उपाय दे सकता हूँ, उनको वृद्धाश्रम में व्यवस्था कर सकता हूँ। दोनों अलग अलग संतुलन है, दोनों का अलग मजा है, दोनों का अलग अवसर है। लेकिन आपने कई सरकारों के पुलिस को देखा होगा, योगी की पुलिस कैसी है? आप स्वयं 5 साल में देख चुके हैं योगी जी के नेतृत्व में पुलिस को काम करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए एक अच्छा माहौल दिया गया, संसाधन दिए गए, टेक्नोलॉजी दी गई और खुला हाथ दिया गया। पहले अपराधी पुलिस पे गोलियां चलाते थे और पुलिस भागती दिखती थी, अब पुलिस बहादुरी के साथ गोली चलाने वाले अपराधियों को जवाब देती है और उसका परिणाम आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ और अब अगले 5 साल में इसको और ऊंचाइयों पे हम लोग ले जाएंगे। हम लोग अपनी न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं और साथ साथ जो राजस्व की व्यवस्था वो भी मजबूत हो रही है, जिससे कि अपराध के जो कारण हैं वही दूर हो जाए और हम लोग और ऊंचाई पे। रामपुर और आजमगढ़ के परिणामों का धन्यवाद, परिणाम बहुत अच्छे होंगे, आप देखिएगा बहुत अच्छी मेहनत हुई है और बड़ा अच्छा परिणाम मिलेगा जी। तो बिल्कुल, ये थे समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण जो कि सामाजिक समरसता पर, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया गया है उस पर भी आज खुले मन से अपनी टिप्पणी दे रहे थे। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।